हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग देता है 16,010 पर, और पूरा का पूरा दिन ना लास्ट के आधा पौना घंटा अगर हम छोड़ दें, मार्केट परेशान कर रहा होता है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा होता है। लेकिन जो लास्ट के हाफ एन आवर में हमें मूवमेंट देखने को मिली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट थी, और वो मूवमेंट अब हमें नेक्स्ट वीक में बताएगी कि मार्केट में कितना बड़ा हमें ड्रामा देखने को मिल सकता है। ये ड्रामा ऊपर की साइड के ज़्यादा होने के चांसेस है, जिसे हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। मार्केट अपने दिन का लो बनाती है 15,927 का, और हाई बनता है 16,066 का, और क्लोजिंग देता है 16,049 की। बड़ी ही अल्टीमेट क्लोजिंग ये रही है, इससे अच्छी क्लोजिंग हमें उस वीक में नहीं मिल सकती थी, और पूरा का पूरा वीक मार्केट ने परेशान ही किया था, और एट लास्ट हमें लास्ट के आधे घंटे में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और इसी के साथ अगर हम FIIs और DIIs की बात करते तो FIIs ने 1650 करोड़ की सेलिंग करी है और DIIs ने 150 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर बढ़ा है, जो दिक्कत की बात है। अब स्टॉक इन फोकस, जल्दी से जल्दी ना टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स नोटिस में रह सकते हैं, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूँगा, और हमें अच्छे मौके भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर्स को सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये मौके इतने अब मिलने वाले हैं ना कि अब जिस तरीके से मार्केट रैली दिखा रहा है, अब दोबारा से टाइम आ चुका है। कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, कंफर्मेशन मिलने के बाद तो हम अपनी क्वांटिटीज को भी इंक्रीज कर देंगे, लेकिन तब तक लिमिटेड क्वांटिटीज के साथ ही हमें काम करना है। मार्केट में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज अब मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। ये बात मैंने आपको पिछले दो हफ्तों से कह रहा हूँ कि मार्केट अब धीरे धीरे इशारे करने लगी है, और पूरी की पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते हमें एक फॉलो थ्रू डे मिल सकता है। अगर वो हमें मिल गया तो समझो नया पार, मार्केट फिर नई रैली के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 16,300 पर, और जो सपोर्ट की बात करते हैं तो 15,900 की हमें मेजर सपोर्ट मिलने वाली है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो देखो, इस हफ्ते मार्केट के अच्छा रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, और अगर हम बात करें कि मार्केट में अगर इस हफ्ते हमें 16,500-16,600 के लेवल देखने को मिलते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। वैसे मार्केट अगर ऊपर की साइड जाएगी तो घबराना तो होता ही नहीं है, लेकिन वो तो हमें अब उस रैली को यूज करना है। ये बात है कि अगर हम वो रैली को यूज ना करें फिर हमारे लिए घबराने की बात हो जाती है। अब लेकिन अब जिस तरीके से ना मंडे को लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अच्छी खासी होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में दो छुट्टियां आ जाती हैं तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। बट अगर मार्केट अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होती है 16,200 के ऊपर, 300 या 400 तक, तो हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी पहले एक दो घंटे, इनफैक्ट दो घंटे मान के चलो कि वो अपने उस लेवल को सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर नहीं कर पाती फिर हमारे लिए एक हल्की सी दिक्कत हो सकती है कि मार्केट एक बार हल्की फुल्की नीचे रिट्रेस कर सकती है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और वैसे भी ना पहले तीन दिन तो हमें मार्केट के अच्छे रहने की ज़्यादा उम्मीद है। अगर मार्केट हमें 16,500-16,600 तक के लेवल दिखाती है और वहाँ से रिट्रेस भी होती है तो दिक्कत की बात नहीं है। अगर मार्केट नई रैली को तैयार होती है तो वहाँ पर भी रिट्रेसमेंट्स होंगी, वहाँ पर भी जर्क्स आएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। बट इनफैक्ट अभी फ़िलहाल कोई घबराने की बात नहीं है। लेवल्स आप लोगों को बता चुका हूँ, मार्केट अगले वीक कैसी रह सकती है वो बता चुका हूँ। और जल्दी से जल्दी ना टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ करेंगे, सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव के लिए होंगे,
तो उन स्टॉक्स पर हमारी स्पेशल नज़र रह सकती है, और कुछ स्टॉक्स को मैं आज रात को ही डाल दूंगा एडवांस में कि इन स्टॉक्स पर हमारी नज़र रह सकती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।